ड्रैगन फ्रूट, एक ऐसा एक्सोटिक फल जो अपने गजब के अनोखे स्वाद और न्यूट्रिशन से भरपूर होने की वजह से फेमस है। ड्रैगन फ्रूट दुनिया के टॉप 10 सबसे हेल्दी फलों में से एक है, इसलिए आजकल इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। पर क्या आप ये जानते हैं कि आप अपने घर पर फ्री में भी इस महंगे ड्रैगन फ्रूट को उगा सकते हैं, वो भी गमले में। दोस्तों, लंबे समय से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि बीज से ड्रैगन फ्रूट उगाने पर वीडियो बनाएं, तो आज के इस वीडियो में मैं ड्रैगन फ्रूट से बीज निकालकर उन बीजों से गमले में ड्रैगन फ्रूट का पौधा उगाना सिखाने वाला हूं। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कटिंग से कैसे ड्रैगन फ्रूट उगाया जाता है, कैसे इसके लिए मिट्टी बनाई जाती है, कैसे इस पौधे की केयर की जाती है, किस तरह की बीमारियां और कीड़े इसमें लगते हैं और इनको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे इस पौधे से ज्यादा फल लिए जाते हैं। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा पूरे ग्रोथ अपडेट्स के साथ। तो चलिए इस वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस प्रजाति का पौधा होता है। इसे आप तीन तरह से उगा सकते हैं, बीज से, कटिंग से और नर्सरी से इसका पौधा लाकर। मैं आपको तीनों तरह से ड्रैगन फ्रूट का प्लांट उगाना सिखाऊंगा। बीज से उगाने के लिए आपको पका हुआ ड्रैगन फ्रूट चाहिए होगा, क्योंकि पके फल में सीड्स मैच्योर होते हैं। बीज के लिए मैं एकदम फ्रेश और बड़े साइज का ड्रैगन फ्रूट लेके आया हूं। मुझे ये एक फ्रूट 150 रुपए का मिला है। ड्रैगन फ्रूट की कई वैरायटीज होती हैं, जिसमें व्हाइट पल्प, रेड पल्प वाले ड्रैगन फ्रूट होते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर व्हाइट पल्प वाली वैरायटीज मिलती हैं। बीज निकालने के लिए इसे इस तरह से बीज से कट कर दीजिए। आप देख सकते हैं इसका पल्प छोटे छोटे काले बीजों से भरा हुआ है। पल्प को एक चम्मच से इस तरह से स्कूप करके निकालिए। एक स्ट्रेनर पर पल्प को हल्का हल्का रगड़कर बीज अलग कर लेते हैं। ज्यादा जोर से नहीं रगड़ना है, नहीं तो ये सॉफ्ट बीज क्रश हो सकते हैं। अब इन बीजों को 2 दिनों तक शेड में सूखने के लिए रख देते हैं। 2 दिनों बाद 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट को मिलाकर बीजों को लगाने के लिए मैंने सीडलिंग मिक्स तैयार किया है। ड्रेनेज होल्स वाले एक शैलो पॉट में सीडलिंग मिक्स को भर लीजिए। अब बीजों को कंटेनर में इवनली फैला दीजिए। इसके ऊपर सीडलिंग मिक्स की हल्की लेयर डालकर बीजों को कवर कर दीजिए। पानी देकर अब इस ट्रे को शेड में रखना है। इसमें अगली बार पानी तभी डालें जब छूने पर मिट्टी सूखी महसूस हो। 15 दिनों बाद ड्रैगन फ्रूट के कुछ बीज जर्मिनेट होकर छोटे पौधों में बदल गए हैं। इस स्टेज पर इसमें पानी देने का खास ख्याल रखना है। सीडलिंग मिक्स में थोड़ा बहुत मॉइस्चर बनाए रखना है, मगर ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो ये गलकर खराब हो जाएंगे। अब मैं इसे ऐसी जगह रखूंगा जहां इस पर सुबह 2-3 घंटे की धूप आए। 20 दिनों बाद अब मैं छोटे पौधे को सेपरेट कंटेनर में ट्रांसफर करूंगा। बराबर क्वांटिटी में गार्डन सॉइल, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट लेकर सॉइल मिक्स बना लीजिए। ड्रेनेज होल्स वाले इस पॉट में मैंने सॉइल मिक्स भर लिया है। अब सावधानी से सीडलिंग ट्रे से एक छोटा पौधा निकालकर पॉट के बीचों बीच लगाइए और इसमें पानी दीजिए। अब कुछ दिनों तक इसे सेमी शेड में रखना है। जैसे ही इसमें ग्रोथ होने लगेगी, इसे ऐसी जगह रखना है जहां इसे सुबह की धूप मिले और बाकी समय इस पर शेड रहे। 1 महीने बाद ड्रैगन फ्रूट का हमारा पौधा लंबा होकर 2.5-3 इंच के आसपास का हो गया है। ध्यान रहे कि बीज से उगाए पौधा बहुत ही स्लो ग्रो करता है। इस दौरान आपको पानी देने का खास ख्याल रखना है, क्योंकि इस स्टेज में ओवर वाटरिंग होने से जड़ों में रूट रॉट हो जाता है और पौधा गलकर खराब भी हो सकता है। पौधा अब 3 महीने का हो चुका है। अब इसने ग्रोथ पकड़ ली है और ये लंबा होता चला जा रहा है। ये सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो करता है। प्लांट अब गमले में सेटल हो चुका है, इसलिए अब मैं इसे फुल सनलाइट में रखूंगा, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट असल में एक कैक्टस है और इसे अच्छी तरह से बढ़ने और फलने फूलने के लिए ज्यादा से ज्यादा धूप की जरूरत होती है। इसकी ग्रोथ बूस्ट करने के लिए अब मैं इसमें 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डाल रहा हूं। अब मिट्टी को थोड़ा लूज कर लीजिए और इसमें पानी दीजिए। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट का हमारा पौधा अब 8 महीने का हो गया है और इसमें बढ़िया ग्रोथ हो रही है। इसकी ब्रांच भी अब काफी मोटी हो गई है। अगर इसे बढ़ने दिया तो ये यूं ही लंबा होता रहेगा, इसलिए अब मैं एक शार्प ब्लेड को सैनिटाइज करके इसे ऊपर से 3 इंच छोड़कर कट कर दूंगा। ऐसा करने से इसमें साइड ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे पौधे की ग्रोथ तेज होगी और इसमें फ्रूटिंग भी जल्दी होगी। अब मैं इसे इस गमले से निकालकर बड़े गमले में रिपोर्ट करूंगा जिससे इसकी ग्रोथ तेज हो। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट के बारे में खास बात यह है कि अगर आप इसे बीज से उगाएं तो इसमें फल आने में 6-7 साल लग सकते हैं, हो सकता है शायद इससे ज्यादा भी टाइम लग जाए। अगर आप ड्रैगन फ्रूट को बीज से उगाना चाहते हैं तो आपको काफी पेशेंस रखना होगा। वहीं अगर आप इसका पौधा कटिंग से उगाएं या नर्सरी से इसका प्लांट लाकर लाएं तो 1-2 साल के अंदर अंदर ही इसमें फल आना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कटिंग से ड्रैगन फ्रूट का पौधा कैसे उगाया जाता है। ड्रैगन फ्रूट के पौधे को कटिंग से बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें बड़ी ही तेजी से रूटिंग होती है। आप देख सकते हैं इसकी ब्रांचेस में एरियल रूट्स भी निकलती रहती हैं। कटिंग से ड्रैगन फ्रूट उगाने के लिए सिर्फ फल देने वाले कुछ साल पुराने मैच्योर्ड पौधे से ही कटिंग लेना चाहिए। आपको इस तरह की पतली ब्रांच नहीं लेना है क्योंकि फल देने में इसे बहुत ज्यादा समय लगेगा। इस तरह की मोटी और कम से कम 6 इंच लंबी ब्रांच आपको लेना होगी। एक शार्प कटर को स्टेरलाइज कर लीजिए। इसे इस तरह से जॉइंट से काटिए। अब इसे तुरंत नहीं लगाना है वरना इसमें फंगस लग जाएगी। कटिंग को 2-3 दिन तक शेड में रखिए, इससे कट वाली जगह सूख जाएगी और इस पर कैलस की लेयर बन जाएगी। 3 दिनों बाद कट वाला हिस्सा कैलसिफाई हो चुका है। मिट्टी और रेत को बराबर क्वांटिटी में लेकर मिक्स कर लीजिए और ड्रेनेज होल्स वाले छोटे पॉट में भर दीजिए। अब कटिंग को 1-1.5 इंच गहरा लगा दीजिए। इसमें पानी दीजिए और अगली बार इसमें पानी तभी डालें जब मिट्टी सूखने लगे। 28 दिनों बाद आप देख सकते हैं इसके ऊपर 2 नए शूट्स निकल आए हैं। इसका मतलब कटिंग में भी रूट्स निकलने लगी हैं। जब ये डबल हाइट का हो जाएगा तब मैं इसे इस छोटे पॉट से निकालकर बड़े गमले में ट्रांसफर कर दूंगा और 8 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर इसमें फल भी आने लगेंगे। वैसे ड्रैगन फ्रूट का पौधा आपके आसपास की नर्सरी में 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए के रेट तक मिल सकता है। इसका रेट पौधे की उम्र, वैरायटी और इसकी क्वालिटी के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है। नर्सरी पर ना मिले तो आप ड्रैगन फ्रूट के पौधे amazon.com से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। जितना मैच्योर्ड पौधा आप खरीदेंगे उतनी ही जल्दी ये फल देना शुरू करेगा। ये पौधा मैंने अपनी लोकल नर्सरी से 200 रुपए का खरीदा है। ये रेड पल्प वैरायटी का ड्रैगन फ्रूट प्लांट है। दोस्तों, अगर आप ड्रैगन फ्रूट के पौधे में ढेर सारे फल चाहते हैं तो आपको इसे बड़े गमले या कंटेनर में लगाना होगा। इसके लिए कम से कम 24 इंच चौड़ा और 12 इंच ऊंचा गमला लेना ही चाहिए क्योंकि इसका रूट सिस्टम काफी ज्यादा फैलता है। छोटे गमले में आपको इसे नहीं लगाना है क्योंकि एक बार पौधा लगने के बाद 20 से 25 सालों तक ये फल देता रहता है और बड़ा हो जाने पर इसकी रिपोर्टिंग काफी मुश्किल होती है। मैं इस 27 इंच चौड़े और 18 इंच ऊंचे प्लास्टिक फ्रूट क्रेट में पौधा लगाऊंगा। इसमें अच्छे ड्रेनेज के लिए ढेर सारे होल्स भी हैं। ये सबसे जरूरी है कि गमले में पानी अच्छी तरीके से ड्रेन होता रहे। एक 24 इंच पॉट में भी ड्रैगन फ्रूट का पौधा 3-4 साल में इतना बड़ा और हैवी हो जाता है कि इसे पॉट में खड़े रहने के लिए एक मजबूत सपोर्ट स्ट्रक्चर या ट्रेलिस की जरूरत होती है, वरना अपने ही वजन से ये गिर सकता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती करने वाले इन्हें सीमेंट के खंभों का सपोर्ट देकर उगाते हैं जिसके ऊपर लकड़ी या सीमेंट के फ्रेम जुड़े हुए होते हैं। गमले में बांस या लकड़ी की स्टिक का सपोर्ट देकर इसे मत उगाइए क्योंकि थोड़े समय बाद मिट्टी के अंदर लकड़ी सड़ जाती है। आप मजबूत वाले पीवीसी पाइप या फिर लोहे से ट्रेलिस बनाएं। ट्रेलिस कम से कम 4 फीट हाइट का होना चाहिए। मैंने लोहे के 2 रिंग्स में 4 फीट की 3 रॉड्स को वेल्ड करवाया है। ड्रैगन फ्रूट असल में एक कैक्टस प्रजाति का पौधा है, इसलिए अच्छी तरह से फलने फूलने के लिए इसे ऐसी पोरस मिट्टी की जरूरत होती है जो न्यूट्रिशन से भरपूर हो और जिसमें पानी ज्यादा देर न रुके। क्लेई या चिकनी मिट्टी में अगर आप इसे लगाएंगे तो थोड़े दिनों बाद मिट्टी ठोस हो जाएगी और खराब ड्रेनेज के कारण इसकी जड़ें गल जाएंगी और रूट रॉट की वजह से पौधा खराब हो जाएगा। ड्रैगन फ्रूट के लिए सॉइल मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए बराबर क्वांटिटी में मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट और रेत। इसमें 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर भी मिलाइए। ये नेचुरल एंटीफंगल का काम करता है। कंटेनर के ड्रेनेज होल्स को नारियल के छिलके या कोको कॉयर से कवर कर दीजिए। ये पानी के साथ मिट्टी को बहने से रोकेगा। इसके बाद ट्रेलिस को गमले में मजबूती से लगा दीजिए क्योंकि जब ड्रैगन फ्रूट प्लांट बड़ा और घना हो जाएगा तो सारा वेट इसी पर होगा। इसे मैंने ऑलरेडी पेंट कर रखा है तो इसमें जंग नहीं लगेगी। अब एक लेयर मोटी रेत या बारीक कंकर की डालिए। अब थोड़े सड़पे गलते पत्तों को इसके नीचे डालते हैं। इसके बाद आधे कंटेनर को सॉइल मिक्स से भर दीजिए। इस प्लांट को मैंने कलम से 8 महीने पहले उगाया था और इसमें कितनी बढ़िया ग्रोथ हुई है आप देख सकते हैं। इसे मैंने मोटी और मैच्योर्ड कटिंग से उगाया था इसलिए इसमें से ब्रांचेस भी एकदम मोटी और बड़ी बड़ी निकली हैं। अब प्लांट को प्लास्टिक पॉट से बाहर निकालकर कंटेनर में लगा रहा हूं। अब सॉइल मिक्स से पूरे कंटेनर को भर देते हैं। कंटेनर के बीचों बीच एक मजबूत पीवीसी पाइप पौधे को सपोर्ट देने के लिए लगा देते हैं। अब ब्रांचेस को पाइप से बिल्कुल चिपका कर बांध दीजिए। ये ब्रांचेस बढ़ते हुए ट्रेलिस के ऊपर तक जाएंगी। इसके बाद ट्रेलिस के ऊपर वाले रिंग और 2 फुट नीचे वाले रिंग से ब्रांचेस को बाहर लटकाकर हमें फैलाना है। अब इसमें अच्छी तरह से भरपूर पानी दीजिए। अगले 3-4 महीनों में इसमें फूल आने लगेंगे। ड्रैगन फ्रूट में आमतौर पर अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक में फ्लावरिंग बर्ड्स आना शुरू हो जाती हैं। अगर कलम से लगाए पौधा 1-1.5 साल का हो जाने के बाद भी फ्लावर बर्ड्स नहीं आए तो ऊपर की तरफ की मोटी ब्रांचेस के किनारों को इस तरह से कट कर दीजिए। ये कटिंग अप्रैल के फर्स्ट वीक में कीजिए। अगर अप्रैल फर्स्ट वीक से पहले आप कटिंग करेंगे तो फ्लावर बर्ड्स की जगह नई ब्रांचेस निकलने लगेंगी और पौधे में वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाएगी। लेकिन फ्लावरिंग शुरू होने के 1 महीने पहले कटिंग करने से आप पौधे को फ्लावरिंग करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। फ्लावर बर्ड आने के 10-12 दिनों में इसमें रात के समय बड़ा सा फूल खिलता है जो सुबह तक मुरझा जाता है। ये फूल एकदम ब्रह्म कमल के फूल की तरह होता है जिसका वीडियो आपने मेरे चैनल पर जरूर देखा होगा। वैसे तो ज्यादातर ड्रैगन फ्रूट्स की हाइब्रिड वेराइटीज सेल्फ पॉलिनेटिंग होती है, फिर भी 100% फ्रूट सेट होने की श्योरिटी के लिए आप इसे हैंड पॉलिनेट भी कर सकते हैं। इसके पॉलन्स को एक सॉफ्ट ब्रश के ऊपर कलेक्ट कर लीजिए और इसके इस स्टिग्मा में ट्रांसफर कर दीजिए। 10-15 दिनों में आपको छोटा फ्रूट देखने को मिलेगा। 1 महीने में फल बड़ा होकर लाल हो जाएगा और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। इसी दौरान इसमें फिर से फूल आने लगते हैं। इस तरह से ड्रैगन फ्रूट का पौधा फ्लावरिंग शुरू होने के बाद 5 महीने तक फल देता रहता है। आमतौर पर यह पौधा गर्मियों की शुरुआत में फ्लावरिंग शुरू कर देता है और सितंबर-अक्टूबर तक इसमें फल आते रहते हैं। दोस्तों, जैसे ही इन ड्रैगन फ्रूट प्लांट्स पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू होगी इसका अपडेट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपका ड्रैगन फ्रूट का पौधा अच्छी तरह से फलता फूलता रहेगा और गमले में भी आपको ढेर सारे फल मिलेंगे। ड्रैगन फ्रूट का प्लांट खराब होने का सबसे बड़ा रीजन होता है ओवर वाटरिंग। लोग ज्यादातर अपने बाकी पौधों के साथ ड्रैगन फ्रूट के पौधे में भी रोज पानी देते हैं। लगातार मिट्टी में नमी बनी रहने से इसकी जड़ें सड़ जाती हैं और रूट रॉट से पौधा गलकर खराब हो जाता है। ध्यान रहे कि ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस नुमा पौधा है इसलिए ये काफी ड्रॉट टॉलरेंट होता है और इसे कम पानी की जरूरत होती है। गर्मियों के दिनों में इसे 2-3 दिन में एक बार पानी दें और सर्दियों में इसे 1 हफ्ते में एक बार पानी दें। कितना पानी देना है ये चेक करने का सबसे आसान तरीका है उंगली से मिट्टी को छूकर देखिए। अगर 1 इंच मिट्टी सूखी महसूस हो तभी इसमें दोबारा पानी दीजिए। अगर मिट्टी गीली हो तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं देना है। बरसात के मौसम में हर 10 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई करके ऊपर की लेयर को लूज कर लीजिए। इससे गमले में पानी रुकेगा नहीं। ड्रैगन फ्रूट के पौधे को अच्छी तरह से बढ़ने और फलने फूलने के लिए ढेर सारी धूप की जरूरत होती है। अगर आप इसे शेड में रखेंगे तो इसमें से पतली और लंबी ब्रांचेस निकलेंगी और इसमें फूल और फल नहीं बनेंगे। इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां इस पर दिन भर पूरी धूप आए। गर्मियों के दिनों में जब टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है तो झुलसा देने वाली गर्मी से बचाने के लिए आप इसे ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट के पौधे को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए हर महीने खाद देने की जरूरत होती है। महीने में एक बार 24 इंच के गमले में 4 मुट्ठी के आसपास अच्छी तरह से सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें और मिट्टी की गुड़ाई करके ऊपर की सरफेस को ढीला जरूर करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए महीने में एक बार 2 चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट ग्रेन्यूल्स या बायोजाइम के काले दाने भी इसमें डालना चाहिए। टेरेस गार्डन या होम गार्डन में लगे ड्रैगन फ्रूट के पौधे को लगातार बढ़ते रहने और ज्यादा फल लेने के लिए समय समय पर प्रूनिंग करना जरूरी है। प्रूनिंग के दौरान आप पौधे से मरी हुई, बीमार या पुरानी ब्रांचेस को प्रूनर की मदद से काट दीजिए ताकि इसमें नई ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके। ड्रैगन फ्रूट के पौधे में जब नई ग्रोथ होती है तब इसमें थ्रिप्स, एफिड्स और स्केल्स जैसे कीड़े लगने के चांसेस होते हैं। इसमें फल आने के दौरान भी कुछ कीड़े लग सकते हैं। इनसे बचाव के लिए हर 15 दिन में एक बार पौधे पर जैविक कीटनाशक या 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। ड्रैगन फ्रूट प्लांट को आमतौर पर ड्रैगन स्पॉट डिजीज नुकसान पहुंचा सकता है। इसे कॉपर रस्ट भी कहते हैं। ये एक तरह की फफूंद वाली बीमारी है। इससे पौधे के तनों और पत्तियों पर सफेद या ब्राउन कलर के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये बढ़ता जाएगा और ब्रांच को खराब कर देगा और इस तरह से पौधा खराब हो सकता है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर आधा लीटर पानी में 50 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% मिलाकर पौधे पर हर 10 दिन में एक बार स्प्रे करें। आप इस पर किसी भी तरह का ऑर्गेनिक या केमिकल फंगिसाइड भी स्प्रे कर सकते हैं। अपनी गार्डनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर मुझसे पर्सनल चैट करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और यह है आज का कमेंट ऑफ द वीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।